एपिसोड 2 के स्टार्टिंग में दिखता है। जोशी वैक्यूम के घर पर जाती है। जोशी वहाँ एक कमरे पर जाती है, तब वो देखती है उसके फ़ोन पर एक मैसेज आ रखा है। तब उस फ़ोन को ओपन करके उस मैसेज को पढ़ती है। उसमें लिखा हुआ होता है, क्या तुमने नौकरी की पेशकश पर विचार किया? जोशी कहती है, मुझे लगता है ये टाइम है, मुझे इस मैटर को वैक्यूम के साथ डिस्कस करना चाहिए। फिर वो वहाँ वैक्यूम को ढूंढने लगती है, लेकिन अंदर जाकर भी उसे वैक्यूम नज़र नहीं आता। फिर वो अंदर जाकर एक कैंडल को जलाती है। फिर वो वहाँ रखा एक रिमोट को उठाकर उसका बटन दबाती है। बटन दबाकर ही वो देखती है कि एक प्रोजेक्टर से सामने पर्दे पर उसकी फ़ोटोज़ चलने लगती है। ये देखकर वो बहुत खुश होती है। तब वो उस कैंडल को बुझाती है और उसके अंदर से अपनी रिंग निकालती है और कहती है, उसने ये बहुत अच्छे से किया, मैं इसे कैसे ढूंढूंगी। वो ये तक भी नहीं जानता कि प्रपोज़ कैसे किया जाता है और वो रोने लगती है। फिर वो अपनी जेब से फ़ोन निकालती है और उससे कहती है, मैं तुम्हारा आंसर देना चाहती हूँ जॉब ऑफर के बारे में, क्या तुम बात करना चाहती हो? क्या तुम इस टाउन में हो? फिर वो अपना फ़ोन काट देती है। इसके बाद के सीन में दिखता है कि जोशी मिस वू से मिलती है। मिस वू कहती है, सॉरी मैं बहुत बिजी थी, मैं अपनी मीटिंग कर चुकी हूँ। जोशी कहती है, देरी होने के लिए मुझे माफ़ कीजिए, मुझे काफ़ी वक्त लगा आप तक पहुँचने में, मैं इसके लिए आपसे माफ़ी मांगती हूँ। मिस वू कहती है, तुम्हें माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है, मुझे माफ़ करना, मैं तुमको निराश करने जा रही हूँ। श्रम विभाग को एक स्टूडेंट से शिकायत मिली है, ये आरोप लगाते हुए कि आपने अपना इंटर्नशिप का अवसर प्राप्त किया एक नाजायज़ चैनल के माध्यम से। जोशी कहती है, क्या शिकायत मेरे खिलाफ? मिस वू कहती है, हम विभाग को साबित करने की पूरी कोशिश करेंगे कि तुमको मास्टर ने चुना है क्योंकि तुम ड्राइंग में एक्सपर्ट हो। यहाँ पर दिखता है कि जोशी ये सिर्फ ख्याल में सोच रही थी, दरअसल मिस वू वहाँ पर नहीं थी। मिस वू ने उससे कहा था, हालांकि हम पर्याप्त रूप से आश्वस्त नहीं थे और हम चीज़ों को मोड़ने में असफल रहे, हम आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, उन्हें ये अपॉर्चुनिटी तुमसे छीननी पड़ी। तभी जोशी को जांग शुआई का फ़ोन आता है। जांग शुआई उससे कहता है, क्या तुमने सुना क्या हुआ था? जोशी कहती है, मैंने अपनी इंटर्नशिप खो दी, इससे फ़र्क नहीं पड़ता, मैंने कभी भी इस चीज़ के लिए प्लान नहीं किया था, मेरे लिए कुछ भी नहीं है बुरा महसूस करने के लिए इसके बारे में। जांग शुआई कहता है, तुम क्या बात कर रही हो, ये एक बहुत बड़ा मामला है। वो कहती है, क्या सच में, क्या मैंने सच में किसी को ठेस पहुँचाई कि वह विदेशों में मेरे पास मौजूद सारे अवसर को बर्बाद करना चाहते थे? तभी जोशी वहाँ मिस वू को देखती है और मिस वू अपनी कार में बैठकर वहाँ से चली जाती है। इसके बाद के सीन में दिखता है, वैक्यूम का सिक्योरिटी वैक्यूम से कहता है, वहाँ चीज़ें कैसे चल रही हैं? स्टूडियो ने ऑफर के लेटर को वापस ले लिया, हालांकि वहाँ शिकायत दर्ज कराई गई थी, स्कूल में वहाँ गिने चुने लोगों ने ही इसके बारे में सुना, इसका फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए मिस जियाओ की रेपुटेशन पर। वैक्यूम कहता है, तुम क्या कहना चाहते हो? वो कहता है, क्या होगा अगर ये बहुत रेयर अपॉर्चुनिटी हो? वैक्यूम कहता है, उसके पास ऐसी बहुत सी अपॉर्चुनिटी आती रहेंगी जब तक मैं उसके साथ हूँ। इसके बाद के सीन में दिखता है कि मिस बाई और लीमिंग और वैक्यूम और जोशी सब साथ में बैठे हुए होते हैं। मिस बाई कहती है, बहुत हो गया, हमें तुम्हें आराम पर छोड़ना चाहिए। वैक्यूम कहता है, तुम एक साल लेट हो, लीमिंग तुमने अच्छा काम किया है अपनी इच्छाओं पर काबू पाकर। और वो हंसने लगता है। लीमिंग कहता है, चेयरमैन से कंपेयर करें इसकी लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है। मिस बाई कहती है, हालांकि आपकी प्रेम कहानी पूरे एक सीजन तक खिंची रही, हम कोई और रोल मॉडल नहीं ढूंढ सकते आपसे ज़्यादा, हमारे पास कोई चॉइस नहीं है एलिमेंट्री स्टूडेंट से सीखने के अलावा। वैक्यूम कहता है, तुम किसको एलिमेंट्री स्टूडेंट कह रही हो? फिर वैक्यूम जोशी से कहता है, क्या तुमने सुना वो क्या कह रही है तुम्हारे बारे में, क्या तुम जीतना नहीं चाहती? वो कहती है, किसके लिए जीतना है, क्या कोई कॉम्पिटिशन है? इसके बाद वो सभी पुल में गेम खेलने के लिए चले जाते हैं और वहाँ वो चारों गेम खेलकर बहुत एंजॉय करते हैं। तभी वहाँ जोशी को जांग शुआई का फ़ोन आता है। वो कहता है, मैंने सच को ढूंढ निकाला। इसके बाद वैक्यूम जोशी को एक टैडी देता है और कहता है, मैंने जीता गेम में। जोशी उसे वो टैडी वापस दे देती और वहाँ से जैसे ही जाने लगती है तभी वैक्यूम उसके पास जाता है और उससे पूछता है, क्या हुआ तुम्हारा मूड ख़राब है, क्या इससे पहले तुम्हें ये पसंद नहीं था? वहीं लीमिंग अपनी वाइफ से कहता है, कुछ तो गड़बड़ है उन दोनों के बीच। जोशी कहती है, भूल जाओ मैं ज़्यादा नहीं कहना चाहती क्योंकि वो दोनों यहाँ हैं, हमें उन दोनों को अगले रास्ते पर ही छोड़ना पड़ेगा, चलो चलते हैं। तभी जोशी देखती है कि लीमिंग और उसकी वाइफ वहाँ नहीं है और उन्होंने जाते जाते तीन टैडी उनके लिए छोड़ दिए हैं गिफ्ट के तौर पर उनके लिए। वैक्यूम कहता है, क्या हम कहीं और चलें, मैंने सुना कि आज रात को बर्फ पड़ने वाली है, चलो चलते हैं। जोशी कहती है, मैं भी जाना चाहती हूँ,
चलो चलते हैं। तब वो दोनों ब्रिज पर पैदल चलने लगते हैं। वैक्यूम कहता है, क्या तुम्हें ये जगह याद है? वो कहती है, हाँ हम पहली बार इस ब्रिज पर मिले थे, किस्मत यहाँ मिलाई। वो कहता है, मैं ज़्यादा नहीं सोचता, मैं सोचता हूँ कि अगर वो चीज़ें फिर से हुई तो मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। जोशी कहती है, ये सब हुआ तुम्हारी बीमारी की वजह से। वो कहता है, नहीं ये हुआ क्योंकि तुम मेरे टाइप की हो, मैं पहली नज़र में तुम्हारे प्यार में गिर गया था। भले ही तुमने सिर्फ अपना चेहरा दिखाया था, तुम्हें बस शो ऑफ करने की ज़रूरत है, बाकी सब मुझ पर छोड़ दो, तुम्हें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, बस मुझ पर भरोसा रखो। वो कहती है, भरोसा तुम पर किस बारे में? वो कहता है, मुझ पर भरोसा रखो जो भी मैं कर रहा हूँ तुम्हारी खातिर। वो पूछती है, क्या तुमने मुझसे कभी झूठ बोला? वो कहता है, तुम्हारा क्या मतलब? वो कहती है, मेरा सिर्फ एक सवाल है, जो मेरे खिलाफ शिकायत दर्ज कराई क्या तुम उसमें शामिल थे? वैक्विंग जैसे ही उसे छूने की कोशिश करता है, तभी वो उसका हाथ खुद से हटा देती है और वो कहता है, क्या तुमको यही करना है? वो कहती है, मेरा जवाब दो। वो कहता है, तुमको आंसर की क्या ज़रूरत है? तुम क्या करोगे अगर आंसर हार रहा तो? वो कहती है, मैं वो हूँ जो क्वेश्चन पूछ रही हूँ, तुम क्यों पहुँचे उस सेक्रेटरी के यहाँ? उसने अपनी कंपनी को क्यों छोड़ा और उसने तुमको ज्वाइन किया जब उसने मेरे केस को सेटल कर दिया, यहाँ तक कि जिस स्टूडेंट ने मेरे खिलाफ शिकायत दर्ज कराई और यूनमा से एक विदेशी प्रस्ताव प्राप्त किया? मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं ही एक बेरोजगार हूँ यहाँ पर। जैसे वैकिंग कुछ कहने वाला होता है, तभी जोशी कहती है, बहुत हुआ, मैं अब ये कह रही हूँ कि तुम लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में टिक नहीं सके एक पल भी। तुमने इस डिसीजन को मेरी जगह पर चुना, तुमने मुझे धकेल दिया, ये एक अरेंजमेंट था तुम्हारे द्वारा किया गया। वो कहता है, कुछ रास्ते सही नहीं होते तुम्हारे लिए। वो कहती है, मैं ये डिसाइड कर सकती हूँ कौन सा रास्ता सही है और कौन सा गलत, तुम्हें मेरी लाइफ को चुनने का अधिकार किसने दिया? वो कहता है, क्या तुम्हारे पास मेरे लिए कोई जगह नहीं है? फ्यूचर में मैं वो सब कर रहा था जो मैं कर सकता था अपनी रिलेशनशिप को बचाने के लिए। वो कहती है, तुम्हारी रिलेशनशिप? तुम एक सिर्फ मतलब इंसान हो, यहाँ तक कि तुमने मुझ पर भरोसा भी नहीं किया। क्या चीज़ें तुम्हें सोचने पर मजबूर करती है? क्या मैं तुमको छोड़ रही हूँ अपने कैरियर के लिए? वो कहता है, तुमने एक साल पहले मुझे छोड़ दिया था, मैं तब भी वैसा ही था, लेकिन मैं हमेशा वैसा नहीं रह पाया। जो भी कीमत लगे मैं तुमको अपनी तरफ रखूँगा। जोशी रिंग को निकालती है और कहती है, ये भी है, मुझे चेक कराना चाहिए। जब मैंने इस रिंग को सीरियसली लिया और वो उस रिंग को फेंक देती है, फिर वो जैसे ही जाने लगती है तभी वैकिंग उसका हाथ पकड़ता है और जोशी उसके पैर में लात मारती है। वो कहता है, तुम क्या कर रही हो? वो कहती है, अगर तुम सोच रहे हो कि तुम्हारी गलती नहीं है तो मेरे पास आज के बाद मत आना। फिर वो वहाँ से जाने लगती है और वैक्यूम कहता है, मैं तुम्हारे पास आज के बाद नहीं आऊँगा, और वो भी अलग रास्ते जाने लगता है। जोशी जा ही रही होती है तभी वो रास्ते पर पड़ी उस रिंग को देखती है और वो उसे उठाती है, तभी देखते ही देखते बर्फ गिरने लगती है। फिर वो पीछे मुड़ती है और देखती है वैक्यूम जा रहा है, फिर वो भी जाने लगती है। वहीं दूसरी तरफ लीमिंग और उसकी वाइफ अपने घर के अंदर से बर्फ गिरते हुए देख रहे होते हैं। इसके बाद एक महीने बाद का सीन दिखाया जाता है। निंगफाई गुंडों से बचता हुआ जोशी के रेस्टोरेंट में आता है। जोशी उससे कहती है, तुम्हारी बहन तुम्हें अपनी निगरानी में रखने के लिए इस हद तक जा सकती है? वो कहता है, वो मेरी बहन नहीं है, वो कुछ और है, मेरी बहन बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। जोशी कहती है, कुछ महीनों पहले मैं मिस जोई के माध्यम से तुम्हें पकड़ने की कोशिश कर रही थी लेकिन कोई भी फायदा नहीं हुआ। वो कहता है, वो तुम तक आएगी लेकिन अभी नहीं। स्नो फैमिली कुत्तों और बिल्लियों की तरह आपस में लड़ती हैं, तुम एक बेहतर जरिया हो उसके लिए, वो तुम्हारी पहचान नहीं ढूंढ पाएगी आसानी से। वो कहती है, इम्पोर्टेंट रिसोर्स मैं? वो कहता है, हाँ सॉरी जोशी, मैंने तुम्हें बहुत बड़ी परेशानी में डाल दिया खुद की पेंटिंग की वजह से। वो कहती है, ओवनशिप को कम्प्लीट किया जूरान की पेंटिंग का। इसके बाद जोशी को याद आता है कि निंगफाई ने उसे बहुत पहले डिस्ट्रीब्यूशन सर्टिफिकेट दिया था और निंगफाई ने कहा था, मैं सब तुम्हें दे रहा हूँ। वही निंगफाई कहता है, मेरी पेंटिंग डिस्ट्रीब्यूशन हॉल में नहीं दिखनी चाहिए, उन पेंटिंग्स को किसी ऐसे इंसान के घर पर रखना चाहिए जिसको उनकी कदर हो, मुझे ये पेंटिंग तुम्हें देने का कोई भी अफसोस नहीं है। जोशी कहती है, लेकिन ये बहुत महंगी है, तुम्हारी बहन को अगर ये पता चला तो वो बहुत गुस्सा होंगी। अब मैं जान गई हूँ मिस जोई ने तुम्हें यहाँ भेजा, तुम फिक्र मत करो, ये कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, मैं कल वकील से बात करूँगी ताकि वो अभी कानूनी प्रक्रियाएँ पूरी करें, जो ओनरशिप होगी पेंटिंग्स की वो तुम्हारे पास ट्रांसफ़र हो जाएगी। इसके बाद के सीन में दिखता है कि बहुत से गुंडे लिनफाई को ढूंढ रहे होते हैं बाहर में, फिर जोशी लिनफाई को अपने रेस्टोरेंट से भगा देती है। इसके बाद जोशी जब बाहर होती है
तभी वो देखती है कि उसके मोबाइल की बैटरी ख़त्म होने लग गई है। फिर वो जब एक गली से गुजर रही होती है तभी एक आदमी उसके मुंह पर कपड़ा लगाता है। तभी जोशी खुद को छुड़ाकर भागने लगती है। तभी वो आदमी जैसे ही उसे दोबारा पकड़ता है तभी उसका पर्स हवा में उछलकर ज़मीन पर गिर जाता है। वहीं दूसरी तरफ वैक्यूम रेडियो पर सुनता है एक चाइनीज़ स्टूडेंट ने ऑफिस में एक लड़की पर हमला किया। वो अपार्टमेंट कैंपस के बगल में है। वो लड़की कोमा में पड़ गई है। इसके बाद वैकिंग जोशी को फ़ोन करता है लेकिन वो फ़ोन नहीं उठा रही थी। फिर तभी वो फ़ोन उठाती है और जोशी कहती है मेरी बाद में क्लासेस हैं। वैकिंग कहता है तुम्हारे साथ क्या गलत हुआ, क्या मैं तुम्हें तब फ़ोन करूं जब कुछ गलत होगा, क्या तुम ठीक हो। वो कहती है अगर तुम्हारे पास कुछ कहने के लिए नहीं है तो मैं फ़ोन को काट रही हूं। वो कहता रुको तुम्हारे साथ क्या गलत हुआ। वो कहती है ये सिर्फ एक मामूली मुद्दा था। वो कहता है तुम कब तक नाराज़ रहने वाली हो, क्या तुम मुझसे हमेशा के लिए इस तरह से बात करने वाली हो। वो कहती है ये दोबारा नहीं होगा। और यहाँ पर दिखता है जोशी को चोट आई हुई होती है। वो कहता है तुम्हारा क्या मतलब। वो कहती है क्या तुम अभी तक नहीं समझे मैं तुमसे ब्रेकअप कर रही हूँ अब से, मुझे फिर से दोबारा फ़ोन मत करना। फिर वो फ़ोन को काट देती है और उस नंबर को डिलीट कर ब्लैक लिस्ट में डाल देती है। और यहाँ पर ये एपिसोड ख़त्म होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। ऐसी वीडियोज़ देखते रहिए हमारे चैनल पर। थैंक सो मच।